घुटने से बढ़ती है इम्यूनिटी पावर। मैंने काफी बुजुर्ग दादाजी से पूछा कि पहले लोग इतने बीमार नहीं होते थे जितने आज हो रहे हैं, तो दादाजी बोले, बेटा पहले हम हर चीज को कूटते थे, जब से हमने कूटना छोड़ा है तब से ही हम सब बीमार होने लग गए हैं। मैंने पूछा वो कैसे, दादाजी मुस्कुराते हुए बोले, जैसे पहले खेत से अनाज को कूट कर घर लाते थे, घर में मिर्च मसाला कूटते थे, कभी कभी बड़ा भाई छोटे भाई को कूट देता था, और जब छोटा भाई उसकी शिकायत माँ से करता था तो माँ बड़े भाई को कूट देती थी, और कभी कभी तो दादाजी भी पोते को कूट देते थे। कूटने का सिलसिला निरंतर चलता रहता था। कभी माँ बाजरा कूट कर शाम को खिचड़ी बनाती थी, पहले हम कपड़े भी कूट कर धोते थे, स्कूल से मास्टर जी भी जमकर कूटते थे, जहाँ देखो वहाँ पर कूटने का काम चलता रहता था, जिससे कभी कोई बीमारी नजदीक नहीं आती थी, सबकी इम्यूनिटी पावर मजबूत बनी रहती थी। जब कभी बच्चा सर्दी में नहाने से मना करता था तो माँ पहले उसे कूट कर उसकी इम्यूनिटी पावर बढ़ाती थी और फिर नहलाती थी। जब कभी बच्चा खाना खाने से मना करता था तब भी माँ पहले कूटती थी फिर खाना खिलाती थी। ऐसे ही सबकी इम्यूनिटी पावर कायम रहती थी। तो कुल मिलाकर सब कुटाई की महिमा है जो आजकल बंद हो गई है, जिससे हम सब बीमार ज्यादा रहने लग गए हैं। इसी को कहते हैं कूट नीति।